आप दिन में कितनी देर जागृत रहते हैं, सक्रिय रहते हैं? और वैसे तो ये बड़ा सिली सा क्वेश्चन है कि कोई भी व्यक्ति है सारा दिन जागृत ही रहता है, क्या हुआ घंटा भर सो लेता होगा, दिन तो जागृत में ही गुजरता है। लेकिन जागृत रहना या जागते रहना दोनों में फर्क है। क्या होता है कि दिन भर हम अपने माइंड के वश में रहते हैं, माइंड जो भी सोचे देता रहता है, हम उस सोच के साथ साथ भटकते रहते हैं। माइंड के अंदर कोई भी विचार आएगा, किसी से मिलने का, कुछ खाने का, हम उसको फॉलो करते रहते हैं। बहुत कम लोग हैं जो इस बात को समझते हैं कि सक्रिय रहना क्या होता है, सजग रहना क्या होता है, साक्षी भाव में रहना क्या होता है। एक हेल्दी इंसान के लिए दिन में 20 मिनट से लेकर 30 मिनट तक जो है जागृत रहना बहुत आवश्यक है। अगर आप जागृत नहीं रहते तो आप मेंटल डिजीजेस का शिकार हो जाएंगे, मानसिक यातनाओं का शिकार हो जाएंगे, और उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, और कोई नहीं उसका उत्तरदायी होगा, आप खुद होंगे। तो सजग रहते कैसे हैं? विचारों को देखना शुरू करें और सांसों पर ध्यान करना शुरू करें तो सजगता समझ आने लगेगी। और मैंने आंखों पर ध्यान करने की विधियां भी बताई हुई हैं, उनका प्रयोग करें। जैसे उन विधियों का प्रयोग करेंगे तो आपको सजगता खुद ब खुद महसूस होने लगेगी। अगर आप 20 से 30 मिनट रोजाना सजग रह पाए तो बड़ी से बड़ी बीमारी से आप लड़ पाएंगे, बड़ी से बड़ी बीमारी को आप काबू में कर पाएंगे।